हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम हर बार किसी ना किसी महान हस्ती का इंटरव्यू आपके सामने लेके आते हैं और उनसे हमारे दर्शक हमारे पाठकगण भी इंस्पायर्ड होते हैं, तो आज इसी कड़ी में हम एक बहुत ही जाना माना नाम और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नाम श्रीमान अनिल मेहता जी, आज उनसे हम बात करेंगे। आपने भी जानते हो कि एग्जीबिशन की फील्ड में, चाहे वो आरटीपीओ से हो या पूरे आउट ऑफ इंडिया की बात करें, बहुत से कंट्रीज में बहुत से ऐसे उद्यमी हैं, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीस्ट हैं जिनका जीवन इनके साथ आने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर उठा है। तो आज इसी कड़ी में हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या किस तरीके से लोग इनके साथ एसोसिएट होते हैं, कैसे इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और किस तरह से लोगों को इनको फायदा होता है, और किस बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ से हमें इनके साथ जाने से लोगों को फायदा होता है और क्या क्या उनको तैयारी करनी पड़ती है। तो आपका बहुत स्वागत है इसके अंदर आज के हमारे इस इंटरव्यू सेशन में। तो पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप किस तरह से, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा और इसके बारे में। तभी हमने ये एग्जीबिशन का लास्ट 15 साल से पहले से शुरू किया जी। इसमें हमने उन छोटे वर्ग के लोगों को साथ जोड़ा जो जाती है अपने देश में, तो छोटे छोटे काम होते हैं, कारीगर जो होते हैं, मैन्युफैक्चर हैं बड़े या छोटे, उनको हमने हार लेके गए। वहाँ जाके उन्होंने अपने प्रोडक्ट को वहाँ दिखाया, उसके इसी तरह शुरुआत करी थी। करते करते आज कई लोगों की फैक्ट्रीज हैं सहारनपुर में, जोधपुर में, मुरादाबाद। तो जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनको हमने उनका व्यापार वहाँ शुरू करा। तो इसमें जैसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को आप लेके जाते हैं या जो सिंपल व्यापारी छोटे व्यापारी होते हैं? वो छोटे व्यापारी का दो तरह के हमारे शो लगते हैं, एक तो B2B और एक B2C। B2B में हम जो बड़े से बड़े व्यापारी होते हैं उनका हम वहाँ के जो बायर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग कराते हैं, और जो B2C का शो लगता है उसमें मार्केटिंग भी होती है और साथ में सेल भी करते हैं। तो जब जैसे आपको मतलब सबसे जब आपने शुरुआत करी इस बिजनेस के अंदर, तो आपको भी बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी, बहुत सी दिक्कतें आई होंगी? परेशानियाँ तो हर काम में ही आती हैं, यहाँ भी एक छोटा सा बिजनेस कर लो तो, लेकिन फिर भी यहाँ से कम परेशानी बाहर आती है। अच्छा, गवर्नमेंट का, बाहर की गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिलता है फिर? हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है और बाहर की दोनों गवर्नमेंट का। तो वैसे क्या डिफरेंस लगा आपको इंडियन बिजनेस में और बाहर के बिजनेस में? जैसे नॉर्मल आप यहाँ भी बिजनेस करते हो वहाँ भी, तो अच्छा वातावरण कहाँ का ज़्यादा अच्छा वातावरण मिल सकता है? चाहे कहीं भी आप, मैं ऑलरेडी 25-30 कंट्री में एजुकेशन लगा चुका हूँ, लेकिन जो अपना इंडिया है वो इंडिया ही है। वहाँ का माहौल चाहे कितना भी वातावरण अच्छा हो ज़्यादा हो, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। इंडिया आने के बाद अपना ही अच्छा लगता है। मतलब पैसे कमाने के लिए बाहर जाए तो ज़्यादा अच्छा है? नहीं, जाए लेकिन वापस अपने घर, वापस अपने आके यहीं पैसे तो ज़्यादा। तो अभी बहुत से कंट्रीज आपने लिए, तो उसमें सबसे बेस्ट आपको फिर भी क्या लगा कि कौन सा कंट्री मतलब सभी आम आदमी के लिए भी ज़्यादा बेटर है बिजनेस करने के लिहाज से? CIS कंट्री में हमारे इंडियन की काफ़ी डिमांड है। CIS वहाँ इंडिया के कल्चर से और इंडिया के लोगों को से बहुत लोगों को प्यार है। तो जैसे CIS के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है CIS? CIS है जैसे हमारे स्टार थे राज कपूर जी, वो सर्कस के लिए एक मॉडल को लेके आए थे अपने जी। उसके बाद वो राज कपूर जी वहाँ फेमस हो गए, उस करके इंडिया के लोगों को आज भी वो सोचते राज कपूर जिंदा है। CIS कंट्री में वो राज कपूर का जाते ही आप इंडिया की शक्ल देते ही बंदे की कहेंगे राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती। अच्छा, CIS में तो जो सर रशियन कंट्रीज वगैरह से मिक्स कर रही है। अच्छा, वो CIS, तो इसलिए आपको जो बाकी वर्ल्ड के को अलग कर दे और आपके लिए रशिया को अलग कर दे, तो रशिया जो इंडिया कंफर्टेबल ज़्यादा प्यार करते हैं वो रशियन लोग इंडियन से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन से मार्केट में वहाँ पे सेल हम कर सकते हैं अपने इंडियंस के हिसाब से? इंडिया का हैंडीक्राफ्ट की डिमांड है, कपड़े की डिमांड है, यहाँ तक कि इंडिया के चाय के लिए वो समझो उसकी खुशबू से ही पागल है।
अच्छा अगर एक तरफ वोट का पड़ी होगी तो एक तरफ इंडियन चाय, तो वोट का छोड़ देंगे और चाय पियेंगे, इंडियन चाय पियेंगे, इंडियन चाय पियेंगे, मतलब तो इंडियन मसाले वो भी स्पाइसी नहीं खाते लेकिन फिर भी इंडियन मसाले वो। अच्छा मतलब इंडियन मसालों की इतनी तड़ी उनके पास डिमांड है कि चाय की खासकर, चाय की खासकर। इसके अलावा जैसे बहुत सारे हमने देखे हैं आपके सामने कि जो छोटा एग्जीबिटर होता है वो नॉर्मली घबराता है बाहर जाने में, क्योंकि कई चीज़ें फेस करता है, मेरे को लैंग्वेज के प्रॉब्लम है, या कई बार वो कहता है मेरे को स्टफ अगर नहीं बिका तो मेरा क्या होगा। तो इसमें मतलब जैसे आप क्या सपोर्ट नॉर्मली उन सबके साथ? उसके लिए हमारी गवर्नमेंट चैम्बर्स के थ्रू लोगों को बाहर भेजती है, तो चैम्बर स्टॉल का बिल्कुल कम से कम प्राइस देते हैं, जो चीज़ 1 रुपये की है चैम्बर 50 रुपये की देता है, साथ में उनको एक्सपोर्ट बनाने के लिए एक टिकट भी देते हैं। अच्छा कि आप जाओ और व्यापार करके अपना करके, तो इससे चैम्बर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बहुत सपोर्ट कर रही है बाजार। अच्छा मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, तो उसमें आप भी उनको सपोर्ट करते हो जो नए नए फील्ड आना चाहते हैं। तो अगर कोई नया आना चाहे तो उसको आप क्या संदेश देते हो कि क्या उनको आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, उसके लिए उसको क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे उसके लिए पहले उसको अपना प्रोडक्ट का होमवर्क करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट उसका यहाँ पर जो बाहर पसंद किया जाए, क्वालिटी सबसे क्वालिटी में वो कम्प्रोमाइज नहीं करते, हमारे यहाँ तो कुछ भी भेज देते हैं, वो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वो अपना आईसी कोड लेके एक्सपोर्ट करके नंबर लेके फिर हमारे पास आए, हम उनको पूरी सलाह देंगे कि वो कैसे करें। मतलब आपकी तरह से पूरा एक तरह से वी आर एन टी आर आपकी तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट मिल जाती है, तो उसके लिए अगर आपके पास आते हैं तो आपको अच्छा काम मिलेगा। हमारे 25-30 कंट्रियों का प्रपोजल है जिसमें भी उनका प्रोडक्ट हम बता भी सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका यहाँ चलेगा, ये और उस कंट्री के बारे में उसको पहले से पता चल जाएगा कौन से कंट्री। तो जैसे बहुत से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ, मेरे ख्याल हमारे यहाँ का जो मसाले और चाय के अलावा प्रिपेयर्ड फूड तो वहाँ इतना सक्सेस नहीं होता होगा, या प्रिपेयर्ड फूड का भी डिमांड है? फूड के लिए काफ़ी लाइसेंस लेने पड़ते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट वो वहाँ नहीं बेच सकते। जैसे चाय और उसके लिए कोई टेंशन नहीं है? चाय का तो फिर भी ड्राई है लेकिन जो बाकी और चीज़ें हैं उनका भी सारा। अच्छा उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, चाय के सारे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बच्चों के क्लोथ भी बेचेंगे उसका लाइसेंस लेना। अच्छा उसके लिए तो जैसे आपके थ्रू जाएंगे तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको? लाइसेंस तो गवर्नमेंट देती है, हम नहीं देते, वो लाइसेंस का तो उसका प्रोडक्ट का वहाँ का वहीं मिलेगा। अच्छा वहीं जाके मिलेगा, तो वो इजी प्रोसेस होता है या मुश्किल होता है उसमें आप सपोर्ट कर देते हैं उसको? नहीं वो प्रोडक्ट उसका पास हो गया तो उसमें अच्छी क्वालिटी हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा मतलब उसको पहले होमवर्क करना पड़ेगा जाने से पहले भी कि उसको वहाँ लाइसेंस लेना, अगर फूड प्रोडक्ट है तो। अच्छा और जिसने आप जैसे क्लोथ किया चॉइस की बात करें तो उसके लिए? क्लोथ तो जा सकते हैं, बस बच्चों के क्लोथ के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अच्छा बच्चों के क्लोथ के लिए, बड़ों के लिए इतनी जरूरत नहीं है, हाँ वो लोग बच्चों वाले थोड़ा हाइजीनिक ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा सा और जैसे आपने बताया चाय आई और उन चीज़ों के बारे में तो उसके लिए इतना जरूरत। तो इसके लिए आप कोई खास विशेष संदेश देना चाहें लोगों को जो एग्जीबिटर्स है या इंडियन व्यापारी है उनके लिए ऐसा कुछ खास? यही कि भारत अपने यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्ट करें, बाहर का माल खरीदने से अच्छा अपना माल बाहर जाए तो वो बहुत ज़्यादा दो पैसे वहाँ के भी आएंगे डॉलर हमारे पास। तो कोरोना का भी बड़ा आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इसका? कोरोना जैसे चला पूरे वर्ल्ड में चला, कोरोना का तो इफेक्ट कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई बच सका हो कोरोना से जी, एक मेडिसिन लाइन को छोड़ के तो सारी इंडस्ट्री तो ये तो क्योंकि ये तो आपका तो सीधा सीधा ही फ्लाइटों से संबंधित है, इंटरनेशनल बाउंड्री से संबंधित है, तो काफ़ी इफेक्ट हुआ ही हुआ इसमें। फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी वर्चुअल एग्जीबिशंस करी हैं के? उसके लिए भी गवर्नमेंट ने चैम्बर्स को काफ़ी बेनिफिट दिए हैं कि आप वर्चुअल एग्जीबिशन करो, वहाँ से बातचीत करो, लेकिन उसके भी फायदे हुए हैं लेकिन वर्चुअल प्रोडक्ट तो उससे नहीं बिकता मैं क्या, और सिर्फ सामान का स्टफिंग चेक कर सकते हो, पर वो भी जो हाथ लगा के चेक होता है वो तो स्टफिंग ही चेक कर सकते हो वर्चुअल से, कपड़ा हाथ लगा के भी यार आपको नहीं पता चलेगा। हाँ तो वर्चुअल में तो वैसे नहीं पता चलेगा क्या चीज़ हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल कोरोना से भी हमने मतलब बड़ा नुकसान हुआ है लोगों को, हमने वर्ल्ड भी हुई पूरे वर्ल्ड को भी हुआ, तो जिनका वैसे जो तैयारी हुई भी होगी और कोरोना की वजह से अटक गए तो उसको कुछ आज कहते हैं कि हमारे इंडिया की खाली अर्थव्यवस्था डाउन हुई है,
इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड इसमें जो हो गया, पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी इसमें इफेक्टेड हुई है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ऊपर कोरोना का असर आया। जी जी, तो ये थे आज हमारे साथ अनिल मेहता जी, जिन्होंने आपके बारे में आपको बताया कि किस तरह से आप एग्जीबिशन फील्ड में आ सकते हैं, और आप इस तरह के और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।